आप सभी जानते हैं कि सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, अपने अपने स्तर से बेसिक शिक्षा, मिडिल स्कूल की शिक्षा और हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत रहती हैं कि कैसे हमारे देश में जो गरीब बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, और संसाधन सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं होते, कई बार लोग इस लायक होते हैं कि वो जो भी रिक्वायर अमाउंट ऑफ मनी है वो खर्च कर सके, लेकिन अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पाता, अच्छी यूनिवर्सिटी में वो नहीं पहुंच पाते, और ये अलग अलग स्तर पर बदलता जाता है। इसी को लेकर के हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी थी, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। वैसे तो 2015 में ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन इसको अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। अब ये योजना सितंबर 2021 तक चलेगी, तो हम कह सकते हैं कि न्यूज में ये कहीं ना कहीं रही है, तो इसके लिए नेसेसरी ऑफिस ऑर्डर जो है वो भी निकाल दिया गया है। तो आप इस सभी इस कंटेंट को ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क नामक एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रतिभा पूल को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। जैसे जैसे तकनीक का शिक्षा में हम कह सकते हैं कि इंटरफेयर बढ़ा है, वैसे वैसे जो दुनिया के टॉप प्रोफेसर हैं, दुनिया के जो टॉप टीचर्स हैं, उनके कंटेंट तक हर देश के छात्रों की पहुंच बढ़ी है। चाहे वो गरीब से गरीब आपके देश हो, वहां के छात्र भी अब अपने घर पे बैठ करके कैलटेक यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, इन सभी का जो टीचर हैं उनके कंटेंट को देख सकते हैं। और भारत सरकार ने इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था शुरू करी है, NIRF, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। उसके टॉप 200 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, IITs, IIMs, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। जो टॉप 200 आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें डायरेक्टली शामिल होंगे। और बेसिकली होगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे यूनिवर्सिटीज के या फिर जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको इन ये जो हमारे टॉप 100 इंस्टीट्यूशन हैं इन बच्चों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाएगा, इन स्टूडेंट्स के साथ, और वो इनको डायरेक्ट लेक्चर दे सकते हैं। यानी हमारे देश के टॉप स्टूडेंट्स अब दुनिया के टॉप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो टॉप टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ जाकर के सीधा जुड़ सकते हैं। और इसके लिए जो शुरुआत हुई थी वो गांधीनगर में अहमदाबाद से हुई थी। ज्ञान योजना का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। देखिए, अगर आप पेडागोजी के बारे में आप में से कोई भी थोड़ा बहुत अवगत होगा तो आपको ये देखना होगा कि पेडागोजी हमेशा वकालत करती है, एडवोकेट करती है फेज वाइज डेवलपमेंट की। यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनमें से कुछ अच्छे टीचर्स बनेंगे, तब जो अगली पीढ़ी के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के और अच्छा कुछ करेंगे, और उनमें से कुछ थोड़े और अच्छे फैकल्टी मेंबर बनेंगे, तब इस तरीके से जाकर के शिक्षा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। लेकिन अगर हम इसका इंतजार करेंगे तो, क्योंकि अलग अलग कारणों की वजह से भारत में शिक्षा का, उच्च शिक्षा का खास करके इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि टैलेंट अवेलेबल था, तो अब सरकारों का ध्यान इस बात पर है कि कैसे इसको तेज किया जाए। तो इसको तेज करने के दो तरीके हैं कि जो भी करंट सिनारियो है, जो भी वर्तमान में हाईएस्ट अवेलेबल स्टडीज हैं, रिसर्चेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां तक हमारे स्टूडेंट्स की पहुंच बढ़ाना। दूसरा तरीका है कि इन टॉप यूनिवर्सिटीज में, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जो काम करने वाले एजुकेशनलिस्ट हैं उनको इंडियन यूनिवर्सिटीज तक लेकर के आना। तो दोनों ही तरीके की व्यवस्थाएं ज्ञान स्कीम में की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न देशों के शिक्षाविदों को भारत में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
आरंभ में विभिन्न देशों के 500 शिक्षाविद इस योजना में शामिल होंगे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी दिमाग में आता है कि हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके अपने यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हैं, तो क्यों हम ऐसा नहीं करते कि फॉरेन फैकल्टीज आकर के हमारे यहाँ पर पढ़ाएं, जैसे कि हमारे देश के जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं या हम कह सकते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साइंस के, सोशल साइंसेस के जो टीचर हैं वो जाकर के बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो भारत का सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल है, तो हम इतना ज्यादा वेलकम नहीं करते हैं, इतना ज्यादा वेलकमिंग नेचर के अभी हम नहीं हैं। और लाइफ थोड़ा सा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बड़े देशों के मुकाबले अभी थोड़ा सा कम स्तर की है, तो उतने अच्छे टीचर फिजिकली प्रेजेंट होकर यहाँ पर पढ़ाने में, फुल टाइम पढ़ाने में थोड़ा हिचकते हैं। अल्पकालिक में गेस्ट लेक्चरर के रूप में आते हैं, ऑनलाइन भी अब व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, तो उसी को देखते हुए सरकार ने अब अपनी तरफ से इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था शुरू की है, तो बहुत ही कारगर ये साबित हो सकती है। वर्तमान में 38 देशों के शिक्षाविद, जो 500 शिक्षाविद हैं वो कुल मिलाकर के 38 देशों में से होंगे, इटली, अमेरिका, आपका नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों से शिक्षाविद आ रहे हैं। अमेरिका के 46, ब्रिटेन के 9, जर्मनी से 6, ये एक मोटा मोटा आइडिया है जो कि जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई थी वहां पर ये डेटा पड़ा हुआ था। तो ज्ञान स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से जो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को वो, या फिर उनके घर के आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप जाइए देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटीज का NIRF में कौन सा रैंकिंग है, NIRF की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं वो ज्ञान स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ज्ञान स्कीम में एलिजिबल हैं। और एक चीज मैं और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स तो ज्ञान स्कीम में लेक्चर ले ही सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत नॉमिनल फीस पे करके उन लेक्चरर्स को, उन एजुकेशनर्स को सुन सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो अगर आपके ब्रांच का, आपके स्ट्रीम का कोई लेक्चर वहां पर है तो आप जरूर उसको अटेंड भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ज्ञान स्कीम, दैट्स ऑल फॉर द डे,